आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उपचुनाव की रेस में आगे निकली बीजेपी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने नामांकन भर दिया है, जहां अभी प्रत्याशी भी कांग्रेस घोषित नहीं कर पाई है। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने ये जो पर्चा है वो दाखिल करवाया, जहां सीएम मोहन और वीडी शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। आपको बता दें कि अमरवाड़ा में 10 जुलाई को उपचुनाव होना है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे थे, जहां पर अमरवाड़ा से जो बीजेपी प्रत्याशी है उनका नामांकन फॉर्म दाखिल किया गया है। आज आप अमरवाड़ा पहुंचे हैं भीगते हुए और बहुत तेज बारिश में पहुंचे हैं, लगभग 2 घंटे की बारिश हुई है, इसके बाद भी नामांकन दाखिल करने आप अमरवाड़ा पहुंचते हैं। इतनी जबरदस्त बारिश में भी कार्यकर्ता का उत्साह, जोश, हिम्मत दिखाई दे रही है कि चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीते। मुख्यमंत्री जी, छिंदवाड़ा आप पहुंचते हैं लोकसभा चुनाव में, रिकॉर्ड टाइम पहुंचते हैं, रिकॉर्ड बार आप छिंदवाड़ा पहुंचते हैं और एक किले को आपने एक तरह से फतेह कर लिया है। अब अमरवाड़ा इलेक्शन है, इस इलेक्शन को क्या पाते हैं? देखिए, चुनाव जहाँ भी होगा और भाजपा का चुनाव अगर है तो भाजपा बहुत गंभीरता से लेती है, हमारी पार्टी है, हमारी सरकार, हम सब काम के लिए एकजुटता के साथ सामने आते हैं, साथ में आते हैं। माननीय वी डी शर्मा जी आए, माननीय हितानंद जी आए, संतोष पारीख जी आए, हम सब लोग अपने इस परिवार की तरह हैं और हम उस भाव को समझते हैं। और यही कारण है कि विजय श्री जो मेहनत कस रहते हैं, अपने काम के प्रति निष्ठा ईमानदारी से लगते, तो उनका वर्ण करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है, निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक बार फिर विजय का रास्ता देख लीजिए। हमारे साथ विष्णुदत्त शर्मा जी हैं, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। अध्यक्ष जी, आप पूरी तरह पानी में भीगे हुए थे, मैंने देखा है फॉर्म भरते समय। कार्यकर्ताओं के लिए इस तरह का जज्बा क्या बताता है? देखिए, कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही हमारी ताकत है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, इस ताकत के आधार पर हमने छिंदवाड़ा के किले को फतेह किया, जो आपने कहा। अब उस किले को सजाना है तो उस किले में अब कैक्टस नहीं होंगे, अब कमल खिलेंगे। इसलिए अमरवाड़ा में इतिहास बनेगा, हर बूथ पर कमल खिलेगा। 70,000 वोट आपने आदिवासी विधानसभा में लिया है ये, और अभी आप अमरवाड़ा में। इस बार आदिवासी भाई और बहनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आदिवासी भाई और बहनों के विकास, उनके कल्याण की चिंता किसी ने की है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश की सरकार ने की। तो इसलिए इस दिशा में, इस चुनाव में आदिवासी भाई और बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। अमरवाड़ा के चुनाव में भी प्रचंड आशीर्वाद हमारे सभी भाई और बहनों का मिलेगा। कांग्रेस के पास बताया जा रहा है, खबरों के मुताबिक है, प्रत्याशियों का अध्यक्ष जी टोटा है। प्रत्याशी मिलेंगे कहाँ? प्रासंगिक हो गई है कांग्रेस, उनके नेता आप देख रहे हैं क्या हालात बन गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने काम, मेहनत और कार्यकर्ता की ताकत के बल पर फिर इस बार परचम फहराई। ये थे प्रदेश के 2 बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि अमरवाड़ा पहुंचते हैं और एक कार्यकर्ता के नामांकन फॉर्म में भीगती हुई बारिश में पहुंचते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट बताता है। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, अमरवाड़ा।